हेलो एवरीवन। देखिए, अब स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की बात करेंगे। देखो, ये स्पेसिफिक हीट मैं आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ बात हो रही है गैस की। ठीक है, देखो जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम ही है, वैसी है जैसे नॉर्मल स्पेसिफिक हीट की हमने पढ़ी थी सब्सटेंस की। ठीक है ना, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड है। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा क्या डिफरेंस आएगा। देखो, जो डेफिनेशन है वो ये, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस बाय 1 डिग्री C इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। वहाँ भी यही था, यूनिट मास को हम चेंज करेंगे। ठीक है, कितना यूनिट मास का जो टेम्परेचर है वो चेंज करेंगे हम 1 डिग्री से। वहाँ सिंपल ऐसे लिखा हुआ था हमने। ठीक है, यहाँ पर बस हमने उसको CGS में लिख दिया कि 1 ग्राम को हम चेंज करेंगे, 1 ग्राम ऑफ गैस का टेम्परेचर चेंज करेंगे 1 डिग्री C से, तो वो क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। अब यहाँ जो मेन कहानी पता क्या है, जैसे हमने सॉलिड और लिक्विड में पढ़ा था, वहाँ पर तो क्या था, स्पेसिफिक हीट क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। अब यहाँ पर क्या है ना, जो स्पेसिफिक हीट है एक पर्टिकुलर गैस के लिए चेंज हो सकती है। क्यों चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस हैं गैस के लिए। अब गैस जैसे हम कहें कि जैसे ये एक, मान लो ये एक हमने गैस के लिए क्या लिया, एक चैम्बर ले लिया। ठीक है, इसमें गैस पड़ी हुई है। ठीक, क्लियर, इसके मॉलिक्यूल इस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक, क्लियर। अब देखो जरा, अब अगर इसमें हम कह रहे हैं वॉल्यूम इतना है, अब इसको हमने क्या किया, हीटअप किया। ठीक है, अब इसका जो टेम्परेचर चेंज करना है इस कंडीशन में, ठीक है, क्लियर, जो भी हमें हीट इसको रिक्वायर्ड है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री C चेंज करने के लिए, वो हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन यही गैस को जब हम इस तरीके से रख देंगे, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे कंप्रेस कर दिया, वही उतनी ही गैस ली जितनी थी। ठीक है, उसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब जब हीट दे रहे हैं हम, तो ये क्या होगा, कम हीट में ही जो है टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। यहाँ थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ रही है, लेकिन ये कंप्रेस कर दिया तो यहाँ पर कम हीट देनी पड़ रही है। तो यानी कि जो स्पेसिफिक हीट है ना, वो क्या हो रही है, चेंज हो जाती है उस पर्टिकुलर गैस के लिए। क्लियर है इतनी बार? ठीक है, ये कंडीशंस हो गई इस तरीके से। अब मान लो ये एक्सपेंड हो रही है, हमने इसको अलाउ कर दिया एक्सपेंड होने के लिए, अब ये खुद से एक्सपेंड होती जा रही है। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, जितना एक्सपेंड करते हैं ना, उतना टेम्परेचर फॉल करता है, और जितना कंप्रेस करते हो उतना टेम्परेचर इंक्रीज करता है अंदर का। क्लियर है? तो अब जैसे इस केस में जब हमने इसको कंप्रेस किया, तो अंदर का टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज हो गया, तो आपने हल्की सी हीट दी, वो चेंज हो गया टेम्परेचर जितना हमें चाहिए 1 डिग्री C का। अब जब हमने इसको एक्सपेंड होने दिया, ठीक है, तब हमने क्या कह रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, अब एक्सपेंड कर रहे हो, तो वो साथ ही ये अंदर ठंडी भी होती जा रही है। तो अब एक्सपेंशन की वजह से जो ठंडी हो रही है अंदर, जो टेम्परेचर फॉल हो रहा है, अब वो भी पूरा कौन करेगा, हीट से ही करना पड़ेगा। नॉर्मल आप हीट दे रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अब एक्सपेंशन भी आपने होने दी इसमें, तो वो ठंडी भी हो रही है अंदर, तो उस चीज़ को भी ओवरकम करना है, तो और हीट देनी पड़ेगी। तो मतलब क्या है, अलग अलग कंडीशंस पे आपकी स्पेसिफिक हीट अलग हो सकती है। बिकॉज स्पेसिफिक हीट है क्या, कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस बाय 1 डिग्री, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ गैस बाय 1 डिग्री C इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। लेकिन जो मेन बात है वो क्या है, कि फॉर गैस स्पेसिफिक हीट इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होती है, सिंगल वैल्यू नहीं है उसकी कोई। क्या करते हैं, बिकॉज व्हेन गैस इज हीटेड इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ रहे हो? तो जो प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वो कहानी इसमें बनती है। सॉलिड लिक्विड में क्या होता है, आपका वॉल्यूम इतना चेंज नहीं करता, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो कहानी है वो आपको यही समझनी है, कि जैसे हमने वाटर के लिए ली थी स्पेसिफिक हीट, वो क्या थी अगर आपको याद हो, 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, ये थी आपके पास अगर याद हो आपको तो, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये थी वाटर के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही, वहाँ वो फिक्स हो गई, ठीक है, जो मर्जी कंडीशंस रख दो आप वाटर की, यही रहेगी वहाँ पर स्पेसिफिक हीट वाटर की। लेकिन यहाँ पर जो गैस की बात आ जाती है, तब उतनी ही गैस लिया आपने, लेकिन अलग अलग कंडीशंस की वजह से उसमें क्या हो सकती है, अलग अलग स्पेसिफिक हीट हो सकती है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला वहीं से आया, जैसे कि हमने बोला था कि जो हीट है वो आपकी डिपेंड करती है किस पर, मास पर, और जो हीट डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, कि भाई कितना चेंज करना है आपको टेम्परेचर। ठीक है, तो वहाँ से हमने कहा था ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया आपका, कितना हो गया ये एम, और साथ में ये डेल्टा टी, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेते थे, वो थी स्पेसिफिक हीट, तो ये इस तरीके से लिखते थे हम। ठीक है, तो ऐसे लिखते थे इसको, एम सी डेल्टा टी, ठीक है, और ये हमने हीट में भी क्या कर दिया था, चेंज के लिए ही बोला, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस बात है चेंज इन हीट की ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले कुछ हीट है, अब आप हीट दे रहे हो, तो चेंज इन हीट होगी, तभी तो हमने टेम्परेचर में भी चेंज इन टेम्परेचर किया। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू निकलती थी, वो अब आपको याद है डेल्टा क्यू अपॉन में क्या आता था, एम डेल्टा टी आता था, तो वहीं से ही लिया है ये। ठीक है, तो फॉर्मूला तो ये वहीं से ही है, सी इज इक्वल टू में डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। अब इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, आपको पता ही है यूनिट क्या होते हैं, बताओ। ऊपर अगर हम
मास को अगर ग्राम में ले रहे हैं तो ऊपर वाला हम किस में लिखेंगे, कैलरी में, ठीक है, और डेल्टा टी किस में लिखेंगे, जब सीजीएस की बात होती है तो बताओ किस में होता है, वो डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो केल्विन पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर इसको एसआई में करोगे तो हीट का क्या होता है, जूल होता है, ये केजी में हो गया, और ये क्या होता है आपका, केल्विन में होता है, ठीक है, के से लिखते हैं हम इसको, ठीक है जी। तो ये इसके यूनिट हो गए, क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, यूनिट्स की बात भी आपको पता चल गई यहाँ से। देखो अब सीधी सी बात है, सिंपल सी कहानी क्या है, ये स्पेसिफिक हीट आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, यहाँ पर सिर्फ आपको ये बात बतानी थी कि गैस में ये क्या रहती है, एक ही नहीं रहती है, डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं गैस की, क्योंकि बेसिकली है क्या स्पेसिफिक हीट, कि भाई कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है हमें, अगर 1 ग्राम हम गैस ले रहे हैं उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना है तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, यही तो है ना स्पेसिफिक हीट। तो भाई वो अमाउंट अलग अलग हो सकता है क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि गैस में क्या होता है जब एक्सपेंड होता है तो वो अंदर से फिर क्या होता है अपने आप टेम्परेचर फॉल करता है उसका, और जब कंप्रेस करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, लूज लूज हो गए, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है ना यहाँ पर, तो क्या होगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी जब हम कह रहे हैं कि भाई स्लो हो गए तो ये टेम्परेचर फॉल करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इनके टकराव ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है यानी कि यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो जहाँ इंक्रीज पहले ही हो गया टेम्परेचर तो यहाँ पर हम अलग से जो हीट देंगे वो कम देनी पड़ेगी, और यहाँ क्या है पहले से ही जो हीट देनी देनी नॉर्मल कंडीशन में देनी थी हमें, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्सपेंड हो गई, वो अगर एक्सपेंड होगी तो और टेम्परेचर अंदर का कम हो गया और हीट देनी पड़ेगी, तो एक ही गैस है लेकिन अलग अलग कंडीशन है, अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगी सारी बात। देखो जो लिमिट्स हैं वो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की वो क्या है, देखो अगर हम गैस को सडनली कंप्रेस कर दें, जैसे कि ये बात थी, तो सडनली कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। मतलब आप क्या कर रहे हो इस केस में, तो कोई हीट नहीं दे रहे हो, मतलब कि ऐसे समझो ज़रा, इसमें कोई हीट नहीं है, जैसे ये है आपके पास एक, ठीक, यहाँ आपने इसको क्या कर दिया जी, कंप्रेस कर दिया, ठीक है, कंप्रेस कर दिया, जैसे मान लो कि पहले ये इतना था, ठीक है, अब इसको कंप्रेस कर दिया आपने, इतना कंप्रेस कर दिया, अब गैस ऐसे हो गई, हीट कोई दे नहीं रहे हो, अब जब हीट कोई दे नहीं रहे हो अलग से, तो जो आपके पास डेल्टा क्यू है, डेल्टा क्यू है वो क्या होगा, जीरो होगा। अब फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू में डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी, और यहाँ पर क्या हो गया, चेंज इन हीट तो जीरो है बिकॉज हमने तो हीट दी नहीं है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ बिकॉज कंप्रेशन किया, कंप्रेशन करने पर टेम्परेचर अंदर का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्लियर है। अब टेम्परेचर तो इंक्रीज हो गया और लेकिन डेल्टा क्यू जीरो है, तो सी इज इक्वल टू में जीरो अपॉन में एम डेल्टा टी आप करोगे, यहाँ पर एम तो हो गया मास हमारा, क्लियर है। अब जब ये कर रहे हो आप, तो आप खुद सोचो ऊपर जीरो है तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई, तो इस केस में स्पेसिफिक हीट क्या हो गई, जीरो हो गई, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज जीरो, देख लो ये जीरो है फिर भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, अभी हो गई ना कंडीशन, यहाँ जीरो, और अब किसी में वैल्यू भी आ जाएगी उसी गैस के लिए, तो यहाँ कंडीशन होगी कि भैया कंप्रेस कर दिया आपने, हीट दी नहीं कोई, लेकिन फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है बिना हीट दिए भी, तो इस फॉर्मूले में जब हमने इसको जीरो लिखा तो स्पेसिफिक हीट जीरो आ गई, ठीक है, लेकिन जो हमें काम करना था कि भैया टेम्परेचर इसका इंक्रीज करना है वो इंक्रीज हो भी गया कंप्रेशन से, है ना। अब अगली कंडीशन देखो जरा, अब क्या कह रहा है, वो गैस को हीट कर रहे हो और अलाउ कर रहे हो कि वो एक्सपेंड हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये केस कहा था आपको कि अलाउ कर रहे हैं हम इसको, एक्सपेंड हो रहा है, तो इस केस में देखो होगा क्या, जरा यहाँ से समझो जरा, देखो जब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मान लो पहले ये पिस्टन यहाँ इस तरीके से था, ये गैस है, ठीक है, अब इसको हमने अलाउ कर रखा है कि भैया एक्सपेंड करो, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जाए, एक्सपेंशन हो रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे और मॉलिक्यूल्स इसके, तो यहाँ टेम्परेचर फॉल करता है, एक्सपेंशन में क्या करता है, टेम्परेचर फॉल करता है, तो यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ पर समझो कि गैस को हीटअप भी कर रहे हैं हम, यहाँ से हीटअप भी कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा क्यू भी दे रहे हैं और अलाउ कर रहे हैं इसको एक्सपेंड होने में भी। अब देखो जरा, जब आप हीट दे रहे हो तो इसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज होगा यहाँ से, है ना, इसको हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इसको एक्सपेंड कर रहे हो उसकी वजह से टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, यही होगा, ठीक है। अब ये कहानी इस तरीके से चल रही है कि जितना यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करवा रहे हो उतना ही टेम्परेचर एक्सपेंशन की वजह से फॉल हो रहा है, तो जो चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, अब आप इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है जी, वो टी से इंक्रीज किया, ठीक है, मान लो हमने कहा कि इनिशियल जो टेम्परेचर है वो कितना है, टी है, मान लो ऐसे इनिशियल टेम्परेचर जो है वो टी था, अब आपने इंक्रीज किया टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज किया, लेकिन जितना इंक्रीज यहाँ से हो रहा है टेम्परेचर उतना ही अंदर डिक्रीज हो रहा है एक्सपेंशन की वजह से,
तो टेम्परेचर वही रहा तो फाइनल भी टी ही रहा, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस केस में यही लिखा हुआ है आपके पास कि जो राइज इन टेम्परेचर है ऑफ द गैस ड्यू टू द हीट सप्लाइड वो इक्वल है फॉल इन टेम्परेचर के, जो कि एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, राइज इन जो नेट राइज इन टेम्परेचर है वो क्या होगा, जीरो होगा, चेंज इन टेम्परेचर तो जीरो ही रहा। तो यही वाला जो फॉर्मूला है आपका डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी, तो इस केस में क्या होगा आपके पास बताओ, डेल्टा क्यू भी है और डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर देखो जरा, ये बनेगा ऐसे डेल्टा क्यू अपॉन में एम और इंटू में ये जीरो। तो समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट होता है, क्या होता है वो, इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट है वो, अब इनफाइनाइट क्यों है कि भैया जितना दे रहे हो आप हीट उतना ही वो एक्सपेंड होता जा रहा है, और उसकी वजह से वो जो है टेम्परेचर जो उसका अंदर कम हो रहा है वो उतना ही कम हो रहा है जितनी आप यहाँ से हीट दे रहे हो। हीट की वजह से मतलब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है उतना ही अंदर कम होता जा रहा है, तो बस देते रहो फिर टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी इसकी, इनफाइनाइट भैया देते ही रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, बढ़ तो रहा नहीं है टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी इस केस में, इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगी। देख रहे हो मतलब किसी में जीरो आ गई स्पेसिफिक हीट, किसी में इनफाइनाइट आ रही है, चेंज हो रही है ना ये, तो समझ रहे हो, डिपेंड ऑन की क्या कंडीशन चल रही हैं, ये है बात समझने की यहाँ पर। अब देखो जरा, जैसे कि अब नेक्स्ट जो केस है हमने उसमें क्या किया कि जैसे कि यहाँ पर तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर जितना यहाँ से राइज हो रहा है उतना ही अंदर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वो बराबर हो रहा है, मतलब कंपनसेट हो रहा है। मतलब 5 यहाँ से बढ़ाया, मान लो पहले कितना है 25 है टेम्परेचर, ये समझो 5 यहाँ से बढ़ा 30 हुआ, ठीक है। अब 30 आपने किया क्लियर, लेकिन यहाँ पर 5 ही क्या हो गया, घट गया, क्योंकि क्या हो रहा है ये एक्सपेंड हो रही है, तो जितना बढ़ा यहाँ से उतना ही यहाँ से घटा दिया उसने, तो फिर 5 माइनस हो गया, तो वो फिर क्या हो गया 25 ही रहा, बढ़ तो रहा ही नहीं है टेम्परेचर, क्योंकि अंदर वाले ने भी क्या हुआ उतना ही कम कर दिया था। लेकिन अब जो कंडीशन है वो हम क्या कह रहे हैं कि हम इसकी जो एक्सपेंशन है ना वो स्लोली स्लोली होने दे रहे हैं। अब जब स्लोली स्लोली होगा ना तो अंदर का टेम्परेचर भी धीरे धीरे ही बढ़ेगा, उस रेट से नहीं बढ़ेगा जैसे कि हमने यहाँ हीट दी, यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया ज़्यादा। अब जो अंदर जो टेम्परेचर घट रहा है वो इतना नहीं घट रहा कि जितना हम टेम्परेचर यहाँ से बढ़ा रहे हैं, जितना हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है अंदर जो एक्सपेंशन की वजह से वो उतना घट नहीं रहा। तो ओवरऑल जो हम समझे, क्या समझे कि भाई बढ़ ज़्यादा रहा है घट कम रहा है, तो ऑल ओवर क्या टेम्परेचर यहाँ बढ़ ही रहा है कि नहीं बात। देखो यहाँ पर समझते हैं जरा इसको दोबारा से, देखो इफ़ द गैस इज हीटेड एंड अलाउड टू एक्सपेंड स्लोली, स्लोली अगर एक्सपेंड करने को हमने उसको अलाउ किया, तो मान लो ये पिस्टन है और बाद में इसको एक्सपेंड यहाँ तक होने दिया हमने, ठीक है, ये तो चलो वही है बात जो मैंने अभी आपको समझाई, लेकिन इसमें बात क्या समझनी है कि स्लोली हो रही है प्रोसेस। जब स्लोली प्रोसेस हो रही है तो एकदम से डिक्रीज नहीं होगा अंदर का टेम्परेचर, आप यहाँ पर हीट दे रहे हो इसको, ठीक है जी, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मान लो कितना पहले 25 है, ठीक है, अब टेम्परेचर इंक्रीज किया 5 का, तो जो टेम्परेचर आप कर रहे हो गया कितना 30, ठीक है, और अंदर जो अब डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर वो अब 5 का नहीं हो रहा है, जैसे हम पहले कह रहे थे 5 का बढ़ रहा है तो अंदर डिक्रीज भी 5 हो रहा है, अब वो स्लो है प्रोसेस तो डिक्रीज अंदर धीरे हो रहा है। मान लो अंदर डिक्रीज हुआ 3 का, 3 का डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो 3 अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो यानी कि अब जो टेम्परेचर रह गया हमारा वो कितना रह गया, 30 इसने किया था, उसने अंदर 3 डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर को, तो अगर वो डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर 3 का तो कितना हुआ आपके पास बताओ, 30 किया उसने, उसने 3 ही डिक्रीज किया, तो ये कितना रह गया आपके पास 27 रह गया, समझ रहे हो। यानी कि अगर हम इसमें देखें इसके अंदर कि पहले जो टेम्परेचर था डेल्टा टी की अगर हम बात करें, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो पहले जो टेम्परेचर था वो कितना था हमारे पास 25 था, और जब फाइनल टेम्परेचर हुआ वो कितना आया हमारा 27 आया है, क्योंकि हो तो अभी भी डिक्रीज रहा है, लेकिन इसने मान लो 5 बढ़ाया उसने 3 घटाया, तो 2 का डिफरेंस रहा, तो यहाँ पर क्या हुआ अब आपके पास 2 का चेंज आया, यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट इज़ जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो जो सी है हमारा वो क्या है, फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी, तो यहाँ ये भी है हीट भी दे रहे हैं मास भी है और डेल्टा टी भी पॉजिटिव आया, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यानी कि इस केस में जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस वो क्या है, इज पॉजिटिव, पॉजिटिव भी आ रही है वैल्यू, ठीक है, एक में जीरो आई, एक में क्या आई है हमारी इन्फिनिटी आई, एक में कुछ पॉजिटिव भी आ रही है। बात समझ पा रहे हो ना कि क्या मैं समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने कहा जितना टेम्परेचर हीट की वजह से बढ़ा उतना ही अंदर एक्सपेंशन की वजह से घट गया, तो नेट तो कुछ बढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो चेंज इन क्या हुआ, टेम्परेचर जीरो रहा। लेकिन जब हम बात कह रहे हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, स्लोली हो रही है जो एक्सपेंशन है, तो अंदर का टेम्परेचर डिक्रीज भी स्लो करेगा, मतलब किस वे में कह रहा हूँ कि कम डिक्रीज करेगा, कि बाहर से 5 बढ़ रहा है अंदर से 3 घट रहा है, तो पहले अगर 25 था टेम्परेचर तो 5 का इंक्रीज हुआ लेकिन अंदर से 3 का घट गया, तो यानी कि जो अब टेम्परेचर है वो
एक्चुअली में कितना बड़ा, 2 डिग्री बड़ा, मतलब कि 27 हुआ, समझ रहे हो। तो फाइनल 27 हुआ क्योंकि 2 का ही हुआ ना ये इंक्रीज, तो फाइनल 27 हुआ और इनिशियल 25 था। तो देख लो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ये चीज़ उल्टी भी कर लो, उल्टा कैसे नेक्स्ट केस में आए, देखो अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हम हीट अप कर रहे हैं, मान लो ये हमारा पिस्टन है, ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रोसेस को क्या किया, फास्ट कर दिया, मतलब जो अब एक्सपेंशन है ना उसको हमने बहुत क्विकली एक्सपेंड होने दिया, ठीक है। अब क्विकली अगर एक्सपेंड होने दिया तो क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर जल्दी से डिक्रीज करेगा, ज़्यादा डिक्रीज करेगा, समझ रहे हो। देखो इसको ऐसे समझो, मान लो पहले 25 है टेम्परेचर यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से हीट दी आपने, ठीक है, 5 का इंक्रीज हुआ, ठीक है, 5 का इंक्रीज हुआ, लेकिन अंदर इतनी तेजी से आपने एक्सपेंशन होने दी तो क्या वो अंदर से अंदर ज़्यादा डिक्रीज कर गया, अंदर मान लो कितना टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, मान लो 7 का डिक्रीज कर गया, समझ रहे हो इतनी बात। मतलब क्या है, पहले अगर देखो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल की बात करें, ठीक है, टी इनिशियल कितना है हमारा, 25 है, ठीक है, अब बाहर से आपने टेम्परेचर 5 का दिया, अंदर डिक्रीज कितना हो गया, 7 का हो गया, तो मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है इनका, 2 का, समझ रहे हो। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि डिक्रीज ज़्यादा कर गया, मतलब 7 मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना आपको कि जैसे यहाँ पर समझो, जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा था आपको कि ये डिक्रीज किया 3 हुआ, ठीक है, यहाँ डिक्रीज ही होगा, ठीक है, लेकिन तेजी से होगा, मतलब ये देखो मान लो ये 7 का डिक्रीज किया इसमें, है ना, मतलब जितना यहाँ बढ़ा उससे ज़्यादा वो डिक्रीज कर गया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि 5 यहाँ पर बढ़ा था, ठीक है, और 3 यहाँ पर क्या किया, डिक्रीज किया, 3 यहाँ डिक्रीज किया, मतलब कितना हुआ, 5 बढ़ गया तो 30 हुआ और 3 वहाँ डिक्रीज करा, ठीक है, तो कितना हो गया, 30 में माइनस 3 करो तो 27 हुआ, समझ रहे हो, इस तरीके से बना था ये 27 माइनस 25 हुआ। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपको बताओ, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ आपको कि यहाँ 5 का बढ़ा तो 30 हो गया, ठीक है, लेकिन 7 डिक्रीज किया, 7 डिक्रीज किया तो ये कितना हुआ, 7 माइनस करो इसमें से कितना हुआ, 23 हो गया अंदर का टेम्परेचर, ठीक है, 5 बढ़ा था लेकिन अंदर का क्या हुआ, 7 घट रहा है, ठीक है, तो ऑल ओवर 30 होना चाहिए था लेकिन अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज ज़्यादा हो रहा है, तो वो 23 हो गया। तो मतलब क्या हुआ है, जो पहले नॉर्मल टेम्परेचर था उससे भी कम होगी कहानी, ठीक है ना, तो यानी कि अब जो फाइनल है हमारा टेम्परेचर वो कितना है, 23 है, समझ पा रहे हो ना बात। 5 बढ़ा बाहर से, मान लो 30 हो गया, अंदर से कितना हुआ, 7 घटा, तो 7 घटा हो कितना होगा, 23, तो 23 रहा ना फाइनल, तो पहले 25 था, तो ये माइनस का 2 आ रहा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है वो विल डिक्रीज, मतलब हीट भी दे रहे हो तब भी वो क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है टेम्परेचर, मतलब ये तो कहानी अलग ही हो गई ना भैया कि भाई आप हीट दे रहे हो, बढ़ना चाहिए टेम्परेचर लेकिन वो घट रहा है, क्यों घट रहा है, क्योंकि आपने क्विकली उसको एक्सपेंशन होने दी, तो ये प्रोसेस है तो वो डिक्रीज ही करता है, तो इतनी आपने कर दिया उसको इतनी क्विकली कि ज़्यादा डिक्रीज कर गया, हीट भी दे रहे हो तब भी अंदर का डिक्रीज हो गया, समझ रहे हो इतनी बात। तो फिर यहाँ पर क्या है आपके पास, दैट इज़ जो डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर वो नेगेटिव है, नेगेटिव मैंने आपको बता दिया कैसे आया, वो समझ रहे हो, तो वो फॉल ही कर गया ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सी इज इक्वल टू में डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी है, और ये नेगेटिव वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है सी पूरा क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट है जो ऑफ गैस वो क्या है हमारे पास, इज नेगेटिव आ गई। तो देख लो अब वैल्यू क्या हो रही है आपकी, 0 इन्फिनिटी पॉजिटिव नेगेटिव सब चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि ये क्या है आपकी, पॉजिटिव भी चलती है नेगेटिव भी चलती है, वैल्यू क्या है रेंज करती है इसमें आपके पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक, क्लियर है बात, समझ में आई, ठीक है। अब ये चीज़ जैसे आपको समझ में आ गई, जैसे इसमें मैंने मोलर स्पेसिफिक हीट भी बताई थी, तो मोलर स्पेसिफिक हीट में 2 थे आपके पास, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो वहाँ पर जो आपके पास यूनिट बनता था, ठीक है, वहाँ पर एक मोल की बात होती है, एक मोल का टेम्परेचर आप चेंज करते हो गैस का, ठीक है, क्लियर, थ्रू 1°C, तो वहाँ पर क्या बनता है आपके पास, अगर आपको याद हो वहाँ सी की जगह यहाँ सी वी आ जाएगा, और ये डेल्टा क्यू, और एम की जगह वहाँ जाता था एन, मोल के लिए, है ना, यहाँ तो मास की बात होती थी लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट में एन आ जाता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए वी आ गया और साथ में डेल्टा टी, तो यहाँ से यूनिट जो इसके बनते हैं वो क्या बनते हैं बताओ, इसके अगर हम CGS बनाएंगे तो क्या बनेंगे, कैलरी पर मोल, ठीक है, पर मोल और पर डिग्री सेल्सियस, और जो CGS बनेंगे वो क्या बने, सॉरी SI बनेंगे, वो क्या बनेंगे, जूल पर मोल, ठीक है, और पर केल्विन, इस तरीके से बनेंगे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसे, ठीक है। तो ये था इसका
ठीक है, सेम प्रेशर के लिए भी ऐसे हो जाएगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर वाली जो स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, उसमें सी पी लिखते हैं बस यहाँ पर, और जो ऐसा यूनिट है वो यही बनता है, वो मैंने आपको बताया हुआ है वैसे तो, बस मैं यहाँ पर यूनिट आपको बता रहा था, ठीक है। देखो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो पहला केस क्या था कि भाई आपने कंप्रेस कर दिया, टेम्परेचर फॉल करेगा, सॉरी टेम्परेचर राइज करेगा, है ना, कंप्रेस करने पे टेम्परेचर क्या करता है, राइज करता है, हीट भी नहीं दी तब भी राइज कर रहा है टेम्परेचर, तो स्पेसिफिक हीट जीरो हो गई। दूसरे केस में क्या था कि आपने हीट दी, अलाउ किया उसे एक्सपेंड होने, अब वो एक्सपेंड जिस तरीके से हो रहा है, अंदर का टेम्परेचर उतना ही डिक्रीज कर रहा है जितना कि टेम्परेचर बाहर से बढ़ रहा है, तो एंड ऑफ द पॉइंट क्या है आपके पास कि नेट टेम्परेचर जीरो हो गया यहाँ पर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो। अब तीसरा केस क्या था, अब इस केस में तो क्या हुआ आपके पास फिर इन्फिनिटी आ गई थी स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब अगला केस क्या था कि आपने स्लोली स्लोली एक्सपेंड होने दिया, उसकी वजह से जितना टेम्परेचर बाहर से बढ़ रहा है वो उतना घट नहीं रहा है, कम घट रहा है, समझ, जैसे 5 का बढ़ा 3 का घट गया, तो पहले टेम्परेचर हमने कहा 25 था, बाहर का बढ़ा 5, बाहर की वजह से बढ़ा 5 तो 30 हुआ, ठीक है, लेकिन अंदर से 3 घट भी गया, ठीक है, 3 घट गया तो 30 में से 3 माइनस करो कितना 27 रह गया, है ना, तो फाइनल टेम्परेचर 27 रहा, तो हमने कहा 27 माइनस 25 तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो सी भी पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जब हमने कहा कि इसको क्विकली हमने क्या किया, एक्सपेंड होने दिया, तो बहुत जल्दी से ठंडी होगी अंदर, तो अंदर जल्दी से टेम्परेचर गिरेगा, हम कह रहे हैं यहाँ से बाहर से 5 हम बढ़ा रहे हैं, अंदर से गिर कितना रहा है 7 का, कि पहले 25 था अब हुआ 30, और अंदर एक्सपेंड जल्दी हो रहा है उसकी वजह से 7 डिग्रीज कर गया, 7 डिग्रीज हुआ तो 23 हुआ, तो एंड ऑफ द पॉइंट क्या हुआ, फाइनल टेम्परेचर क्या रहा हमारा 23 रहा, और नॉर्मल क्या था 25, तो इनिशियल 25 फाइनल 23 रहा, ये कंडीशन ऐसी थी, तो उसकी वजह से ये नेगेटिव आया, उसकी वजह से स्पेसिफिक हीट नेगेटिव आ गई, तो सारी रेंज हमें यहाँ से पता चल गई, क्लियर है, बता दो कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना, बहुत डिटेल में आपको मैंने बता दी बात, बिल्कुल सिंपल सी कहानी होती है, बस समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब ना इसमें ना पिछले टॉपिक में ना कई बच्चों को प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या प्रॉब्लम है। ये देखो जैसे ये रिलेशन था ना आपके पास सी पी और सी वी का, तो यहाँ पर जब हमने डिफ्रेंशिएट किया पी वी इजकल टू में आर टी को, तो ये बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि ये जैसे हम डी वी बाई डी टी करते हैं ना यहाँ पर, तो ये कैसे आया, तो ये देखो ऐसे आया है, ये यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ एक बार, देखो पी तो हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो पी एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी क्या हो जाएगी हमारी डी वी, आर क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और टी की डिफ्रेंशिएशन क्या बनती है हमारी डी टी बनती है, तो मैंने बस यहाँ डी वी और डी टी की जगह क्या लिखा है, डेल लिखा है, तो डेल्टा वी आर और ये डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी यहाँ नीचे ले गया मैं इसके, ठीक है, अगर यहाँ आप देखोगे ये तो लिख दिया मैंने एन इक्वल टू 1 इसके लिए था ना, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो यहाँ पर ये ऐसे लिख दिया डेल्टा वी और ये डेल्टा टी नीचे आया और ये आर, तो ऐसे समझ सकते हो, मैंने वहीं पर ही डायरेक्ट बोल दिया था कि डी वी बाई डी टी कर सकते हैं इसको, और ये विद रिस्पेक्ट टू टी था तो सिंपल आर लिख दिया, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसका डी वी हो गया और टी का क्या हो गया हमारे पास डी टी हो गया या डेल्टा टी हो गया, उस डेल्टा टी को इधर ले आए हम, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर है। तो चलो बैक टू द टॉपिक चलते हैं अपने उसी पर, हाँ जी ये रहा, ठीक है, तो देखो अब समझ में तो आई गया आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, तो मेन बात क्या याद रखनी है इसमें कि एक ही गैस के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स हो सकती है, क्लियर है, एक सिंगल वैल्यू नहीं रहेगी, डिपेंड ऑन द कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम चेंज होते हैं, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।